हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम वेसु सूरत। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऐसे एक कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन जिसके बारे में काफ़ी सारे मैरिड अनमैरिड महिलाओं को क्वेरीज होती हैं। यस, सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक पेशेंट है जिनकी उम्र 22 इयर्स है, 22 साल की उम्र है, अनमैरिड है, यानी कि शादी नहीं हुई है उनकी, और उनकी कंप्लेन थी कि राइट साइड ब्रेस्ट में पेन हो रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा गांठ जैसा फील हो रहा है। सो यह पेशेंट जो है उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी हुई है और उसमें दोनों ब्रेस्ट में जो लंप है जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, फाइब्रोएडिनोमा, सो फाइब्रोएडिनोमा दोनों ब्रेस्ट में है। मैक्सिमम जो लार्जेस्ट साइज है वो 7 सेंटीमीटर फाइब्रोएडिनोमा इन राइट ब्रेस्ट विथ मल्टीपल छोटे छोटे दूसरे भी फाइब्रोएडिनोमा यानी कि चर्बी की गांठ है जिसकी साइज है 4 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर, और लेफ्ट ब्रेस्ट में भी जो मैक्सिमम साइज़ की गांठ है वह 6.5 सेंटीमीटर की है सबसे लार्जेस्ट, और दूसरे मल्टीपल है 5 से 7 फाइब्रॉइड जिसकी साइज़ है 2 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर। सो इनका सवाल है कि मैम, क्या यह फाइब्रॉइड की जो गांठ है वह रिमूव करना ज़रूरी है? ये फाइब्रॉइड में कैंसर हो सकता है और वापिस होने के कितने चांसेस रहते हैं, और क्या दवाई से यह गांठ डिसॉल्व हो सकती है, और यह गांठ होने का रीज़न क्या है? सो फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है कि यह फाइब्रॉइड रिमूव करना ज़रूरी है या नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट में जो भी गांठ होती है जो पेन के साथ, क्योंकि उनको जो मेन कंप्लेन थी वह था पेन, सो अगर आपको दर्द के साथ ऐसी कोई गांठ है तो मोर लाइकली कि वह फाइब्रोएडिनोमा होती है। जैसे आपका सोनोग्राफी ऑलरेडी हो चुका है तो आपको पता है कि यह फाइब्रोएडिनोमा यानी कि चर्बी की गांठ है। दूसरा कि यह गांठ में कैंसर का जो रिस्क होता है एज एज आपकी बढ़ने लगती है, सो ओल्ड एज में फाइब्रोएडिनोमा में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी उम्र अभी 22 इयर्स है, आप काफ़ी यंग हो, तो वेरी लेस चांसेस कि यह गांठ कैंसर की गांठ में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन फिर भी आपका जब भी सर्जरी होता है तो जो टिश्यू निकालते हैं यानी कि जितनी भी गांठ निकालते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, और बायोप्सी का जो रिपोर्ट आता है दैट इज़ 100% कन्फर्मेटरी। दूसरा उनका सवाल है कि वापस ऐसी गांठ हो सकती है? यस, फाइब्रोएडिनोमा जो है वह एक चर्बी की गांठ है, और अगर आपका वेट गेन वगैरह होता है ज़्यादा, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है, तो ऐसे केसेस में फिर से यानी रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। और क्वेश्चन है कि दवाई से यह गांठ डिसॉल्व हो सकती है? सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि जो फैटी टिश्यू की जो गांठ होती है यानी कि चर्बी की जो गांठ होती है, और काफ़ी मल्टीपल गांठ है, सो बहुत ही कम चांसेस है कि यह दवाई से डिसॉल्व हो। हालांकि आपके केस में हम जो कॉस्मेटिकली जो इंसेशन वगैरह लेते हैं, जो हम ऑर्किड हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट्स का यह फाइब्रोएडिनोमा रिमूवल सर्जरी हो चुका है, सो कॉस्मेटिक स्टिच लिया, कॉस्मेटिक इंसेशन लिया जाता है अराउंड द एरियोला, ताकि पता नहीं चलता है ओवर अ लॉन्ग टर्म कि आपका कोई ऐसा सर्जरी हुआ है, और मैक्सिमम जो एरिया में लंप है वही एरिया में इंसिशन दिया जाता है, और वह जगह से जितने भी मैक्सिमम फाइब्रॉइड्स रिमूव कर सकते हैं उतने रिमूव किए जाते हैं, और बाद में ऊपर से जो स्टिचेस आते हैं वह भी कॉस्मेटिक स्टिचेस आते हैं ताकि आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, और यह पेशेंट का सवाल है कि कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे रहेगा और कितने दिन रेस्ट करना पड़ेगा। सो आपको हॉस्पिटल में जो स्टे है 24 to 48 आवर्स का होता है, आपको 1.5 से 2 महीने तक थोड़ा खिंचाव जैसा पेन हो सकता है, अदरवाइज दूसरे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स इस सर्जरी के नहीं होते हैं, और यह जो सर्जरी है उसको फाइब्रोएडिनोमा रिमूवल सर्जरी कहा जाता है, और जस्ट अदरवाइज और कोई कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा या तो बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी यह टाइप की कोई भी समस्या है तो आप यह वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं. और आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं. और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस के साथ हम वापस मिलेंगे. थैंक यू वंस अगेन.